21वीं सदी शुरू हुई, इस नाथानियों के कल्चर पर मैं तंबीद कर रहा था। एक तो नुकसान ये हुआ कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक महफिल नात, न इशा की नमाज न फजर की नमाज। ये कौन सा इश्क रसूल है भाई? ये किसने सिखाया है? हजरत फारूक आजम के जमाने में एक नौजवान 5 वक्त का नमाजी एक दिन फजर की नमाज में ना आया तो उन्हें समझा बीमार है। उसकी आदत के लिए गए, दरवाजा खटखटाया कि साहबजादे नहीं आए, क्या हाल है? उन्होंने कहा कि सारी रात नफल पढ़ते रहे, पिछले पहर आंख लग गई, जमात में ना आ सके। जनाब फारूक आजम ने फरमाया, काश ये इशा के बाद सारी रात सोया होता लेकिन फजर की नमाज खजाना की होती। इसलिए ये जो कल्चर हुआ, और कल्चर क्या है कि खुशगुलू है, एक एक रात में आप लाखों दें, हजारों दें, और जो आलिम महीना भर बैठ के कुरान की तफसीर बयान करे, हदीस मुस्तफा पढ़ाए, उसको महीने और साल में भी इतना आनंद हो, ये इश्क मुस्तफा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब मुझे बताएं कि जब आप ये करेंगे तो आपके यहां कव्वाल और नाथवां पैदा होंगे या उलमा पैदा होंगे? फिर वो बड़ा मायर नफ्सियात होता है, ये शेर शेठ साहब की नजर, ये शेख साहब की नजर, ये चौधरी साहब की नजर, ये हाजी साहब की नजर, अल्लाह और रसूल की नजर तो तब करें कि ऊपर से लौट रहे हैं। नोटों की नजर, इसी को कहते हैं कि दीन हुकुम दीनार हुकुम। ये पेट की शरीयत है। तो इसलिए ख्वाब गफलत से जागो, उलमा से जुड़ो, मदारिस से जुड़ो, मसाजिद से जुड़ो। हमारे दीन के कले ये हैं। जब नामूस रिसालत का वक्त आया तो ये आर्टिस्ट कहां नजर आएगा? समझ नहीं आ रही?